फाइनली दोस्तों अब हम आप सभी को अपना प्यारा सा नया घर दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा सा नया घर जो कि YouTube मनी से बनाए हैं। आज इतना खुश हूँ ना, उन सबके मुंह पे तमाचा लगा है जो मेरे को ना ताना मारते थे। डेली गाली गलौज सुनता था मैं, 3-4 साल में सुना हूँ। तमाचा पड़ा है ये सब उन सबके गाल पर जो मेरे को अनाप शनाप बात बोलते थे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हमारे घर का सेंट्रिंग निकलेगा और आज हमारे घर का फाइनल लुक देखेगा, यानी कि आज के दिन तो बहुत स्पेशल है, बहुत ही खुशी का दिन है। तो ये सब पावा बल्ली गाजा वगैरह ये सब निकाल लिया जाएगा आज। हम सब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने न्यू घर का फाइनल लुक देखने के लिए, बहुत बहुत ही ज्यादा। अम्मा गुड मॉर्निंग दोस्तों, खाना बना रहे हो? आज निकलेगा सेंटरिंग, घर दिखेगा कैसा बना है। घर तो खूब सुंदर बना है। कहे वाली छोटे लाल कहाँ गए? वो ऊपर है। अच्छा मिट्टी फेंकने गए क्या छत पर? अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ हो भाई साहब? ओए मजा है, कल पूरा फेंके थे, आज नहीं फेंकेंगे हम, बड़ा होशियार ना बनो। दिन भर कल गायब थे हम लोग, पूरा इतना फेंके, बस थोड़ा सा बचा था, इतना फेंकने में इनको दिक्कत हो रही है। ए, आज सेंट्रिंग निकलेगा बाबू, सेंट्रिंग। क्या करूं? नाचूं? इस खुशी के माहौल में पता नहीं हमको क्या हो जाता है, पूरा सर्दी जुकाम वगैरह पकड़ लिया है, सिर उर भी दर्द कर रहा है एकदम, पता नहीं क्या हो रहा है। बाप रे बाप, ऐसे सर्दी जुकाम में तो खाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, पेट तो नहीं मार सकते ना, भूख लगी है थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। तो आज खाने में है दाल भात और भाटा और आलू की सब्जी। अम्मा ने बनाया खाना तो टेस्टी तो होगा ही। तो पेट भर खाना खा लिया, अब इंतजार करते हैं सेंटरिंग वाले भाई साहब लोग कब आएंगे। दोस्तों अभी 9 बज चुके हैं और ये देखो दो भैया लोग आ गए हैं सेंटरिंग खोलने, और वो रहा उनका हथियार। और अभी देखो हम लोग का छत कितना धूल धूल सा लग रहा है, पूरा गंदा हो रखा है, इसको भी एकदम धुलना है, साफ करना है। यही जब प्लाई निकल जाएगा तो पूरा धुल के एकदम ऐसे पानी निकाल देंगे, बढ़िया से चिक्कन कर देंगे, एकदम पूरा सुंदर कर देंगे अपना छत, क्योंकि हम लोग को इस सीजन में छत पर सोना भी रहता है। पहले हम उधर सोते थे, उधर छत पे या फिर इधर, लेकिन इस बार इस सीजन गर्मी में हम लोग अपने छत पर सोएंगे तो खूब मजा आएगा। ये लो भैया बल्ली गाजा निकालना शुरू कर दिए। सबसे पहले वो असारा का निकाला जा रहा है। एक बात तो है, इधर गैलरी के अंदर से ना बड़ा गजब नजारा दिखता है, बढ़िया। और चलो आज निकल जाए, सब बढ़िया एकदम दिखी छत। थोड़ी देर में पूरा वसारा ही खाली हो गया। ओ भाई गिरने वाला था। तो भाई साहब ये देखो, ये रहा अपना नए घर का छत। ओहो इस बार लगता है पूरा गिरेगा। इस तरह ये सटरिंग वाला फ्लाई वगैरह गिरा ना, हम पैके हो गए अंदर, रास्ता ही ब्लॉक हो गया। अब दिख रहा है ना हम लोग के वसारा का फाइनल लुक गजब। वसारा में जितना चारों तरफ प्लाई प्लाई फैला था सब निकाल के उधर साइड कर दिए। देखो इतना सारा प्लाई, ये बांस वगैरह, और इधर इतना सारा पटरा, और ये वाला भी रूम दोस्तों खाली हो गया। ये देखो ये रहा ये वाला रूम। तो आप लोग बताओ ये फिनिशिंग वगैरह कैसा लग रहा है। अब इसके बाद दोस्तों ये वाले रूम की बारी आ गई, इसमें भी लगभग मैं आधा से ज्यादा निकाल लिए हैं, बस थोड़ा सा बचा है। ये वाला भी रूम एकदम क्लियर हो गया, और देखो यार आप फाइनल लुक। दोस्तों अभी 3 बज चुके हैं और हम लोग के घर का काफी ज्यादा सटरिंग निकल चुका है। ये वाला वो सारा तो सुबह में ही निकल गया था, और ये वाला रूम भी, ये भी रूम और ये वाला रूम भी पूरा निकल गया है।
और जो ये वाला रूम है इसका भी शटरिंग निकल गया है, अब बाकी है सिर्फ ये वाला लास्ट, यही बस बचा हुआ है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग का जो छज्जा वाला डिजाइन है वो वाला पलाई हटेगा, उसके बाद तो हम लोग के घर के आगे का जो सुंदरता है वो तो भाई मतलब अभी तो हम लोग देखे ही नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मोल्डिंग वाला डिजाइन बना था भाई साहब घर की रौनक बढ़ जाएगी। और जितना भी प्लाई वगैरह घर में लगा था ना, ये देखो भैया पूरा घर के सामने पड़ा है एकदम, आज इतना सारा भल्ली गाजा वगैरह पटरा रे बाप। दोस्तों अभी 5 बज चुके हैं, अब बारी आ चुकी है हम लोग का मोल्डिंग वाला जो प्लाई है उसको निकालने का। तो अभी इसको थोड़ा सा अलग तरीके से निकाला जाएगा, रस्सी वगैरह लगाया जाएगा, नीचे छप्पर है तो इसको भी बहुत ज्यादा बचाना पड़ेगा वरना छप्पर लिए दिए नीचे चला जाएगा। नीचे चलते हैं, वहां से दिखेगा बढ़िया। अम्मा क्या कर रही है? ये देखो अम्मा का जुगाड़, चुंबक लेकर ये कील वगैरह ढूंढ रही है। वाह अम्मा वाह। मिला? दिख नहीं रहा, बस ऐसे ही ढूंढ रही है अम्मा, कहीं कहीं मिल जा रहा है तो ढेर सारा है अम्मा। ओ भाई पीओपी तो पूरा चिपका ही है, थोड़ा सा भी नहीं छूटा। गिराओ भैया आराम आराम से। हाँ भैया एक पलाई जाके अभी तक निकला है, बाप रे बाप, अभी तो कम से कम 5-6 पलाई बाकी है। और छत को देखो कितना गंदा हो रखा है, चारों तरफ धूल मिट्टी मिट्टी, कल इसको भी साफ कर देंगे, पूरा बढ़िया से धूल देंगे, हमारा छत भी एकदम सुंदर दिखने लगेगा। रेडी हो साहब लोग? बस बस बस, अब छप्पर पे नहीं जाएगा ना, छप्पर टूट जाता भैया। ओ भैया सारा पलाई उतर गया, अभी तक पीओपी चिपका है, पूरा छूटा नहीं है। इधर देखो पिताजी निकाल रहे हैं, अरे ये देखो छूट रहा है, ये देखो, अरे 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 ये चोट लग जाई, आराम से और तो फाइनली दोस्तों अब हम आप सभी को अपना प्यारा सा नया घर दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा सा नया घर जो कि YouTube मनी से बनाए हैं। आप लोग बताओ हमारा प्यारा सा नया घर कैसा लगा अम्मा? बहुत अच्छा लगा, तो बच्चा है बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई अम्मा, बढ़िया लगा है ना? बढ़िया। आप लोग एक बार डिजाइन तो देखो भाई साहब, कितना प्यारा है, ओ हो हो। और ये वाला डिजाइन तो देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, ओ भाई साहब क्या दिख रहा है हमारा घर, ओ हो हो। हम लोग को सच में भरोसा नहीं हो रहा कि हम लोग के पास नया घर है, नया घर तो छोड़ो इतना प्यारा घर, ओ हो हो। एक बात बताएं दोस्तों, हम लोग की इतनी औकात नहीं थी कि हम लोग कभी इतना प्यारा सा नया घर बनवा पाएंगे, हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे पास भी एक नया घर होगा, क्योंकि पिताजी दिल्ली मुंबई प्रदेश भंगार का काम करते थे तो उतने में केवल घर का गुजर बसर हो पाता था, घर बनाने की पिताजी कभी सोचते भी नहीं थे। वो तो शुक्र है आप सबका कि आप लोगों ने यूट्यूब पर हमें इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया कि हमारे पास इतना प्यारा सा नया घर हो गया, वरना दोस्तों हम लोग उसी जो छत था पानी टपकता था, घर में पानी भर जाता था, उसी में हम लोग की ज़िंदगी गुजर जाती। ये सब जो कुछ भी इतने अच्छे अच्छे दिन आए हम लोग की ज़िंदगी में, इतना प्यारा सा जो हम लोग का घर बना है ना, ये सब आप सबकी देन है। और YouTube को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच YouTube। आज ये आप सभी का प्यार और सपोर्ट है जो हम YouTube पर 3-4 साल लगे रहे और उसका फल हमें देखो क्या मिला, इतना प्यारा सा नया घर, ओ हो।
इस घर को बनवाने के लिए ना बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं हम। ऐसा ऐसा वक्त आता था ना, ऐसे जाके कोने में अकेले चुप कर रोते थे, जब हमारे घर वाले बोलते थे भाग गए दिल्ली मुंबई छोड़ के घर, हाथ पकड़ के खदेड़ते थे घर वाले, कहते थे भाग गए दिल्ली मुंबई। हमको सब याद है, इतना आसान नहीं है ये घर बन जाना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ अपना, लेकिन ऐसे ऐसे दिन आए हैं, घर वाले गाली गलौज देते थे हमको, टोला पड़ोसी सब लोग वैसे गंदे गंदे सब सुनाते थे, ताना मारते थे पूरा इधर उधर का, तब जाके ये सब दिक्कत झेले, तब जाके आज हमारे पास एक नया घर है। भले ही ऐसे दिख रहा बन गया ना, लेकिन जो जो तकलीफ हम झेले ना, हम ही को पता है कितना तकलीफ झेलना पड़ा घर को बनवाने के लिए। पूरा 5 साल हम सोशल मीडिया पे लगे रहे, आज जाके आप सबके प्यार और सपोर्ट से हम इतना प्यारा सा घर बनवा पाए हैं। मैं कसम से खास आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ ना, उन सबके मुंह पे तमाचा लगाया जो मेरे को ना ताना मारते थे, डेली डेली गाली गलौज सुनता था मैं, 3-4 साल में सुना हूँ, तमाचा पड़ा है ये सब उन सबके गाल पर जो मेरे को अनाप शनाप बात बोलते थे। आज पता चल रहा होगा उस सबको जो मेरे को ऐसे सुनाते थे ना कि पगला गया है, इसका पड़ रहा होगा गाल पे। बहुत खुशी मिल रही है आज हमको, बहुत ज्यादा खुश है। मेरे माँ बाप भले ही मेरे को गंदे गंदे शब्द बोलते थे ना, लेकिन मेरे भलाई के लिए ही बोलते थे। आज मेरे माँ बाप भी एकदम गर्व से सीना चौड़ा होगा उनका कि मेरा बचवा जो था पहले गंदा गंदा शब्द सुनाते थे उसको, आज वो जिंदगी में इतना अच्छा काम किया है। बहुत खुश है हम आज, बहुत खुश है दोस्तों। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जितना भी थैंक यू बोले आप सभी को ना कम है। हम कभी सोचे भी नहीं थे दोस्तों कि हमारे पास इतना प्यारा सा नया घर होगा, सोचो मतलब बाप रे बाप, इन सबकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे कभी भी। दिल से थैंक यू दोस्तों, जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, और हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो देखो खुशी के आंसू झलक गए। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।